कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की शादी में इस चीज को साथ लाए बिना नहीं होगी एंट्री, अनोखी व्यवस्था है। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की शादी में मेहमानों को एक चीज साथ लेकर आनी होगी, तभी विवाह समारोह में एंट्री मिलेगी। बेहद अनोखी व्यवस्था है, आप भी जानिए। ऐसी ही एक अनोखी व्यवस्था दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी में भी देखने को मिला था। बताया जा रहा है कि कपिल और गिनी चतुर्थ की शादी में 2000 बाराती शामिल होंगे। मेहमानों की सूची बकायदा कंप्यूटर में दर्ज की गई है। सभी बारातियों को शादी के कार्ड के साथ स्कैन कार्ड भी दिया गया है। इस कार्ड को स्कैन करते ही बाराती का सारा विवरण स्क्रीन पर दिखेगा। इसके बाद ही सुरक्षा कर्मचारी बाराती को विवाह स्थल तक जाने की इजाजत देंगे। ऐसे में कार्ड साथ लेकर आना जरूरी होगा। वहीं कॉमेडी किंग की शादी में किसी तरह का खलल उत्पन्न न हो, इसके लिए अमृतसर स्थित होली सिटी व रणजीत एवेन्यू में कपिल और उनकी बहन के घरों के आसपास 100 से अधिक बाउंसर तैनात किए जाएंगे। ऐसा सिर्फ सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए भी किया गया है कि ताकि कोई मेहमान किसी भी तरह की सेल्फी, फोटो और वीडियो न बना सके। और डर दिया गया है कि अगर कोई मेहमान ऐसा करता है तो सुरक्षा कर्मी मोबाइल छीनकर डेटा डिलीट करने में एक भी क्षण नहीं लगाएंगे। शादी के लिए गिनी के गुरुवार नानक नगर जालंधर स्थित घर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां दो मुख्य गलियों को 13 दिन पहले ही बाउंसरों ने सील कर दिया है। गिनी के घर के बाहर खड़े सुरक्षा कर्मी घर आने जाने वालों पर नजर रख रहे हैं। वहीं दो मुख्य गलियों में किसी भी वाहन की एंट्री बंद कर दी गई है। किसी भी अनजान आदमी को घर जाने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि घर में की जा रही सजावट को भी गुप्त ढंग से कराया जा रहा है व किसी को भी घर की तस्वीरें लेने से रोका जा रहा है। गिनी का जालंधर स्थित घर ही नहीं, बल्कि जिस जगह पर इन दोनों की शादी होनी है उस जगह पर भी सुरक्षा के भारी बंदोबस्त हैं।